भारतीय जनता पार्टी द्वारा गिरिराज किशोर कपूर वार्ड में वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व विधायक दिलीप दुबे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे मौजूद रहे। गौरतलब है कि प्रदेश भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश के मंडलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां पर भाजपा की नीतियों और संगठनों के कार्य करने के तौर तरीकों के बारे में बताया जाता है। अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि 29 तारीख से मंडलों में प्रशिक्षण चल रहे हैं, जिसके तहत गिरिराज किशोर कपूर वार्ड में भी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से कार्यक्रम में अभिलाष पांडे और दिलीप दुबे मौजूद रहे, जिन्होंने संगठन के तौर तरीकों की कार्य प्रणाली के बारे में बताया। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर दिनांक 29 तारीख से आरंभ हुआ है, जो अलग अलग मंडलों में हो रहा है। आज गिरिराज किशोर कपूर मंडल में इसका प्रारंभ हुआ है, 2 तारीख और 3 तारीख। आज प्रथम वर्ग प्रशिक्षण वर्ग इसका उद्घाटित हुआ है, जिसकी अध्यक्षता माननीय अभिलाष पांडे जी ने की है और दिलीप दुबे जी के द्वारा वक्ता के रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है कि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, भाजपा क्या है, भाजपा कैसे चलती है, भाजपा का संगठन आज विश्व में इतनी बड़ी पार्टी के रूप में कैसे बना है, ये सब चीज़ों की जानकारी आज हमें कार्यकर्ताओं तक पहुंचानी है, जिसके लिए यह समय समय पर प्रशिक्षण वर्ग लगाए जाते हैं। उसी तारतम्य में आज यह प्रशिक्षण वर्ग गिरिराज किशोर कपूर मंडल में व्हाइट पर्ल प्रेमनगर में लगाया गया है, जिसका प्रथम सत्र आरंभ हो गया है। ऐसे ही 10 सत्रों में होगा और 10 सत्रों में अलग अलग वक्ता आएंगे, जो अलग अलग विषयों में प्रशिक्षण देंगे और कार्यकर्ता कैसे संगठित होता है, कैसे संगठित होना है और कैसे अनुशासन में रहना है, ये बताया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।